आपको हमें प्रश्न सवाल करना चाहिए था, आप मौजूद हो तो हमें आपको देखकर खुश होना चाहिए था कि हमारे ठाकुर देने वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं। लेकिन जब हम अपने दरमियान आपको पाते हैं तो हम अपने ठाकुर का शिकार हो जाते हैं, और जितना शरीफ आदमी है वो इन थानों में आते हुए घबराता है, क्यों घबराता है कि सवाले निशान है आपके लिए। आपको सोचना चाहिए हमारे टैक्सों से ये बनने वाले थाने और इसके मौजूद अपराध और आज का एक बार क्यों नहीं हासिल कर पाते, और इसके मुकाबले में जितने क्रिमिनल हैं, जितने मुखिया क्रोच हैं, जितने जुलाई के अड्डे को चढ़ाने वाले हैं, वो पैसों फोको खतर आपके थानों में आते हैं, आपसे मिलते हैं और चले जाते हैं, उन्हें कोई फोक नहीं होता। एक शरीफ आदमी परेशान होता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं, आपकी जिम्मेदारी की याद ध्यान करवाने आए हैं। आप जो सो रहे हैं हमें तो आपको सवाल नहीं कर रहे हैं, आपको जगाने आए हैं, आपको बताने आए हैं। आपकी जिम्मेदारी सड़क पर एक नौजवान को रोककर उसकी तलाशी लेकर उससे पैसे मांगने की नहीं थी, बल्कि आपकी जिम्मेदारी तो चोरों और ठगों को पकड़ने की थी। आप वो नहीं करते और आप ये काम कर रहे होते हैं। ये हमारे लियाकत भाई जिनका बेटा मुंशियात परोशों के खिलाफ उस इलाके के अंदर शीशा पिलाई की दीवार था हरियाणा कॉलोनी के अंदर, ये लियाकत भाई इनका पूरा खानदान उन मुंशियात परोशों के खिलाफ इलाके के अंदर फसल बेकार था, लेकिन मुंशियात परोशों ने इनके बेटे निशान को गोली मारकर शहीद कर दिया। वो किस तरीके काम कर रहा था, वो इस मुआशरे से जैसी लालच को खत्म करने के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसको गोली मार दी जाती है और उसके कब्जे आज भी जिंदा है, नहीं पकड़े जाते। ये हमारे सामने हमारे जमात इस्लामी इलाका गाजियाबाद के जिम्मेदार नूर इस्लाम भाई मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आता है, रास्ते में इनके घर के सामने डाकू को रोकते हैं और स्ट्रेचिंग के दौरान उसके पेट पे गोली मारते हैं और मुद्दा चिकन ये सारी चीजें मुतासर होती हैं। एक महीना जिंदगी मौत की कश्मकश में रहकर हाफिज सलाह इस्लाम शहीद हो जाता है, आज तक उसके कातिल का नहीं पता, कौन उसके कातिल को पकड़ेगा। मंगो पीर के अंदर हमारे जिम्मेदार हाजी साहब साहब का बेटा अली अपनी ही दुकान पर बैठा डाकुओं की गोली का इशारा करता है, शहीद हो जाता है, उसके कातिल का नहीं पता है, लेकिन आज तक आप लोगों ने उसके कातिल को भी नहीं पकड़ा। अब तक क्या कर रहे हैं सिवाय शरीफ आदमी को, एक फेरे वाले को, एक चाय रोजी कमाने की कोशिश करने वाले को पकड़ते हैं और उससे कुछ चाय पानी मांगते हैं, जो सलाफ का काम है और जो सलाफ का काम है आप वो नहीं करते। इसलिए हम आपके पास आपको यह दिखाई करवाने आए हैं। आप तमाम लोगों से, इन पुलिस वाले भाइयों से हम गुजारिश करेंगे कि अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। इन स्ट्रीट आर्ट के इलाके में ये तो पूरा श्रीनगर शाह नगर और इधर की तरफ अहमद चौक और उधर पूरा रही समी साहब और पीछे का जो इलाका ये हमारा 11.5 पान मार्केट और ये जितने इलाके आपके हुकूम में आते हैं इसमें जितने मुंशियात देखते हैं, जितनी स्ट्रीट क्राइम हो रही है, अगर इसमें कमी नहीं आई और अगर इसको खत्म नहीं किया तो आज हम आपके सामने इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगली दफा हम आपके दरवाजे पर बैठेंगे और आपको मजबूर कर देंगे कि आप इन तमाम लोगों को जो अरेंजी पे फांसी है, जो अपना तहफुज करवाने के लिए आपके दरमियान मौजूद है, इनको आप तहफुज दें, और अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपको हम इस थाने से भी नहीं निकलने देंगे, हम यहाँ धंधा देकर बैठ जाएंगे। आप तमाम साथी इसके लिए तैयार है, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें।